ये देखो दोस्तों, बड़ा मस्त लगेगा। ये दिखाते हैं, अब हम आगे क्या कहते हैं तो इन आगे जो नाला कहो या नदी कहो या कुछ भी कहो, अभी आगे थोड़ी मैंने ऊपर चलता रोड के ऊपर भी दिखा देता हूँ आपकी, जो रोड की साइड है अब मैं ऊपर से भी दिखा दूँगा आपको। देखो नीचे अभी भी लोग काफ़ी बैठे हैं और मैंने सोचा चलो ऊपर का व्यू भी आपको दिखा देते हैं। पर ऐसा नहीं कि नीचे ही, ऊपर भी लोग घूम रहे हैं और अपना आनंद उठा रहे हैं, कोई किसी से परेशान नहीं करता है। सबसे बेस्ट बेस्ट यही चीज़ लगी मेरे को, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। ये देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारा है चलने का, ऐसा होता है ड्यूटी के आने का थकान, जब हम ड्यूटी करके आते हैं ना, इतनी लंबी ड्यूटी करके उसके बाद हम चलते हैं ना, तो चलने को मन ही करता है। ऐसा नहीं कि यार हम थक के आए हैं अब नहीं चला जाता है, ऐसा नहीं, अपने आप ही पावर मिल जाती है, अपने आप ही एनर्जी कहते हैं ना, एनर्जी अपने आप ही आ जाती है शरीर के अंदर। क्यों आती है? क्योंकि एनर्जी आने का कारण क्या है कि फ्रेशनेस, आपको हवा फ्रेश मिल रही है तो अपने आप ही एनर्जी आ जाती है सर, एनर्जी अपने आप ही आपके शरीर में आ जाएगी, ये चीज़ है। इसलिए हवा फ्रेश, सफाई है, गंदगी नहीं है और कोई परेशान नहीं कर रहा है, एक डर जैसा मन में नहीं है यार, हमारे अंदर डर है यार कि कभी हम कि अभी जा रहे हैं कौन क्या होगा, तो अपने आप ही आदमी वैसे ही थका कि इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद फिर किसकी हिम्मत आएगी बैठने की, किसकी नहीं आएगी, लेकिन हमारी हिम्मत आ जाती तो हम यहाँ बाहर बैठते हैं और यहाँ पर आनंद लेते हैं हवा। ओहो क्या प्यारी हवा चल रही थी, क्या ठंडी ठंडी हवा आती ना, ऐसा मन करता कि नहीं बिस्तर लगा के सो जाऊँ, इतना प्यारा सा है। अभी लोग घर को भी जा रहे हैं देख रहे हो, जैसे कि मैं अभी ऊपर से दिखाऊँगा, यहाँ से थोड़ा सा है खड़ा होने की, अभी मैं दिखाता हूँ नीचे को। लोग फिर भी ऐसे नहीं कि हाँ कितना लंबा है, कर मैंने बहुत से जा 3-4 किलोमीटर से नहीं, कहीं नहीं, ये पूरे जहाँ से नदी शुरू होती है, जहाँ से ये शुरू हो रखा ना, ख़त्म नहीं होगा, ये यह लोग यहाँ रात को बैठे मिलेंगे, ये कितने किलोमीटर है उससे कोई मतलब नहीं है, लोग आप बैठे ही मिलेंगे आपको। इसलिए हमने भी आज सोचा कि चलो चलते हैं और हम भी दिखाते हैं आपको एक नया और प्यारा व्यू, जिसे देख के वाह भाई ने एक, इसलिए एक मेरे को अपने आप जोश मिल जाती भाई, आप लोग इतना प्यार करते सपोर्ट करते हो ना, तो मुझे ना एकदम से ऐसी वो जुनून मिल जाता है। आप इतना कमेंट, इतना प्यार, इतना वीडियो वो करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, तो मेरा अपने मेरे शरीर में ना एनर्जी आती है, इतना लंबी ड्यूटी करने के बाद ना मेरे शरीर में ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। मुझे ऐसा नहीं है कि कोई बहाने नहीं थका हूँ ये करता हूँ, ये नहीं, थकान क्या है ना, प्यार मोहब्बत में ऐसी चीज़ ताकत है ना। ये देखो ये है बिल्डिंग के बगल पर बना रखा, अब हम चले बिल्डिंग के बगल पर, ये देखो कितना प्यार बना रखा है, यहाँ भी बैठने के लिए है, अभी तो बैठ सकते हैं यहाँ पर, और ये देखो इतना प्यार बना रखा, मैं आगे से दिखाता हूँ आपको। ये भी है देखो, रात का समय है, देखो कुछ आदमी बैठे, एक आदमी बगल में बैठा है, कपिल बैठा है बगल में, एक आदमी बैठा है, ये नहीं कि वो एक लड़ा छेड़खानी कर रहा है, ये चीज़ नहीं है छेड़खानी है, ये कहते ना जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे शरीर देखो प्यार और मोहब्बत में इतनी ताकत है ना, अपने आप ही थकान आदमी की दूर हो जाती है। हमारी थकान तो है आपका प्यार, आप लोगों का प्यार, अपना सपोर्ट मिलता ना तो मेरी थकान वैसे ही दूर हो जाती है। मैं इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद भी आता हूँ और फिर भी मैं फिर लग जाता हूँ अपनी ब्लॉगिंग करने के, और मेरा ब्लॉगिंग करने का टाइम या तो रात को, या तो मैंने बताया था 3 बजे इसलिए क्योंकि वो टाइम क्या होता है ना, थोड़ी काम कम होता है तो मैं वीडियो बना लेता हूँ, और रात को अब मैं घर जाता हूँ छुट्टी होने के बाद। ये रोड क्रॉसिंग है यहाँ, नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे, आज हम इस तरफ जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम निकलते हैं, हम घर को निकलने का होता है, तो आप घूमते घूमते निकल लें, आप लोग के साथ वार्तालाप भी हो जाती है और एक वीडियो भी आपको पता लग जाएगी कि कोरिया का, साउथ कोरिया का क्या हाल है, कैसा मौसम है और कैसा यहाँ का वातावरण है, कैसा रात का भी एक सिस्टम कैसा है। इसलिए मेरे को एक अपने आप ही जोश मिल जाता है, इसलिए मैं चलते ही रहता हूँ। इतनी लंबी ड्यूटी घर करने के बाद, एक अकेला आदमी काम करने के बाद ना, अच्छी खासी हिम्मत बोल जाती भाई, जब आप सुबह से लेके, कहते ना आप सुबह से लेके, सुबह मैं 8 बजे आ जाता हूँ, 8 बजे से लेके रात को, या रात की एक चीज़ है, सुबह आप जितनी जल्दी आते हो वो हम मेरा काम ज़्यादा है, रात को बंद कर लेते हैं, टाइम से बंद हो जाए, 10 बजे बंद करना तो बंद करना, ये चीज़ है 10 से 1, कोई कितना माहिर कितना बड़ा भी गेस्ट क्यों आ जाए बंद करना भाई। इन्होंने एक सिस्टम अच्छा ये बना रखा कि अभी टाइम से 1 मिनट भी ये ज़्यादा नहीं रुकते, इन्हें बंद करना होता है तो बंद करना होता है।
ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि ये टाइम पे एक मिनट नहीं रुकते। बस इनका टाइम हो गया, बाय बाय टाटा, कोई कितना पैसा दे ना दे कोई मतलब नहीं, ये बंद कर, वो चीज़ बेस्ट है। बहुत ही प्यारा व्यू है। नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा इधर को, अभी मैंने चलते चलते मैंने कहा चलो साइड से चलते हैं। ये चीज़ है कि जब कहते हैं ना आप लोगों का प्यार आपका सपोर्ट मिलता है ना, अच्छे खासे मेरे को ही जोश अपने आप ही आ जाता है और मैं रात को फिर निकल जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए। और मैं वीडियो बनाते बनाते काबिल घूम के फिर जाता हूँ घर को। फिर घर गए, नहाए धोए, फ्रेश हो गए और उसके बाद अपना घर में बात करना या बच्चे से बात करना, उसके बाद फैमिली से बात करना, उसके बाद करें फिर सो गए। ये चीज़ें ज़िंदगी में कहते ना जब आपका अपनों का प्यार और सपोर्ट मिलता ना तो अपने आप ही मज़ा आ जाता है। ये देखो दोस्तों कितना प्यारा है। निकलेंगे हम आगे को थोड़ी से रोड क्रॉसिंग पे, चलेंगे आगे। हमारा रास्ता भी ये आने वाला है, चलते हैं आगे। टैक्सी का बस आ रही है वहाँ से, हमने जहाँ से बस आ रही है वहाँ से हमने दाएं को मुड़ना है और दाएं को जब मुड़ेंगे तब हम अपने घर को जाएंगे। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करो, ज़िंदगी बड़ी मस्त है यहाँ की, सब मेंटलिटी सही है, कोई किसी को परेशान नहीं करता, सबसे बड़ी बात है। आप बाहर हो बैठो, खुला देखो यहाँ, ये बिल्डिंग है अपार्टमेंट टाइप की नहीं है, ऑफिस है यहाँ, ऑफिस एरिया है यहाँ पर। और घर तो इस बहुत महंगे होंगे, अब घर तो नहीं होगा, अपार्टमेंट ज़्यादा, ये बिल्डिंग ऑफिस ज़्यादा हैं। और अब निकले हम यहाँ से इस साइड को, हम निकले घर को, देख इतना प्यारा है। मैं भी यहाँ पे कम ही आता हूँ, और नहीं आता हूँ मतलब कम कर नहीं भी आता, नाम आता रहा वो तो इसलिए कि आप लोग के साथ बात करते करते ब्लॉगिंग बनाते बनाते फिर मैं आने लगा, आ जाता हूँ इधर को, नहीं तो यहाँ को कोई मतलब ही नहीं होता इस साइड को आना हमारा, तो सीधे जाओ सीधे आओ। वो तो आप लोग का प्यार है कि जो मुझे इतना घूम, देखो आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, आपको मैं यहाँ का सैर सपाटा कराता हूँ और मुझे भी कुछ दिखने को मिलता है। कहते हैं ना हम जब किसी को कुछ दिखाते हैं तो अपने को भी दिखने को, कुछ चीज़ सिखाते ना तो इंसान खुद भी सीखता है। ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ दिखा रहे हैं ना हम भी सीखते हैं, क्योंकि प्यार एक सपोर्ट ऐसी चीज़ ना, प्यार में आदमी सीखता भी सिखाता भी। ये प्यार ही है आप लोगों का जो मुझे इतना दौड़ा भागी करने पर जो कहते ना जोश और खुशी देता है, नहीं तो दौड़ा भागी करने के बाद आदमी वैसे थक जाता, थकने के बाद आदमी सोचता है छोड़ो यार अब सो जाओ, कहाँ लगे हो, क्यों दिन भर की ड्यूटी कर रहे हो, क्यों इतना दौड़ा भागी कर रहे हो। पर प्यारा जैसे कहते हैं ना प्यारा सपोर्ट जिसको मिलता ना उसकी थकान भी यूँ फुर हो जाती है, उसको ना थक लगती है और ना भूख लगती है। और हम वैसे मेरा हाल है कि मुझे ना थकान लगती है और ना भूख तो लगती है भाई, खाऊंगा नहीं तो फिर कैसे करूंगा, मैं ड्यूटी कैसे कर पाऊंगा, खाना तो पड़ेगा ना, खाने पीने के लिए ऐसा कुछ नहीं, खाना पीना सब है। और ड्यूटी का ओहो यार मैं रोड की उस तरफ जाता तो थोड़ा सा जल्द घर को जाने के लिए जल्दी हो जाता, फिर हम मुझे फिर चलो कोई नहीं चल देते घर में जाके भी हमने करना क्या है। वो तो आप लोगों का प्यार आपका सपोर्ट है जो हमें ना ताकत अपने दे। लेकिन दोस्तों अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे भाई को बनाए रखना, क्योंकि आपके भाई आपके लिए लेके आता है कोरिया की नई नई वीडियो और नई नई चीज़ें दिखाता आपको। और देखते हैं अभी चलते हैं इसके सबवे से नीचे को और दिखाते हैं